अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियां मोहम्मद अफजल बट्टू ते तुसीं वेखदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। मेरे किसान वीर भराओ, कणकां दी कटाई तो बाद तूड़ी दा सीजन शुरू है जनाब, नाल नाल अग्गे अग्गे हारवेस्ट की कटाई हुंदी जांदी है, पिछे पिछे ट्रैक्टर ते जिहड़े चॉपर जे हैगे ने तूड़ी बनाउण वालियां मशीनां, यह जनाब चलदियां पईआं ने। ते पिछे तुहानूं विखाना जनाब मेरे बैक साइड दे ट्रैक्टर है कोई पुराना जिहा, तो मशीन वेखने किस कंपनी की है, तो परफॉर्मेंस चेक करने जरा। आओ चलिए मशीन वाल ते ट्रैक्टर वाल। यह ट्रैक्टर जनाब आ रहा है 260 खाली करके आ रहा है, तो 372 है जी ट्रैक्टर, तो लगता भी कोई पुराना मॉडल है। मशीन दे ठेकेदार मौजूद है, मालिक भी है, ठेकेदार भी, सारा कुछ है, ते पूरी तफसील है। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है जी? ठीक है। कितने दिन हो गए ने सीजन चलाए नु? सीजन चलाए जो हो गया ना 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए ने? दो मशीनां नाल, एक मशीन नाल? नहीं, एक मशीन नाल है, मेरे मामे दे बेटा कौन दी मशीन है ए वाली, उना दी है। हां जी, ए अपनी ओ है, अपनी ओ है। ते ओ पुरानी बड़ी मशीन है यार, ओ केरा मॉडल है कि असी आप मिस्त्री है जो स्केल को कासी आप कर लेना है। अच्छा, ए तोनु फायदा हुंदा पिया है, आप ही मिस्त्री है ते आप ही सारा कुछ आर्टिशन आप करी दी। ट्रैक्टर केड़ा मॉडल है? भी पुराना जे लगदा है, नया मॉडल है जी। नया मॉडल है? हां जी। अच्छा, ठीक हो गया। ते 15 दिन कि ट्रालियां बना लगे? 15 दिन ट्रालियां जी बन गया, तकरीबन 100 क्रास हो गया। 100 क्रास हो गए हम सच्ची सच्ची गल करना, रेट पहले है 6000, हूँ रेट गया घट है, अच्छे कंपीटिशन मसीत ऐलान पे हो मस्जिद आप हम कितने घटते हैं सच्ची रमजान शरीफ का मैंने सच्ची गल कर हम बनाते पे 45 450 की। हाँ जी, उन गल हो जी 45। अच्छा, उस ट्राली की 45? हाँ जी, ठीक हो गया। तो यह साइज कितना ट्राली का? 12-7 है। 12 लंबी ते 7 ऊंची, 7 चौड़ी ते ऊंची कितनी है? ऊंची है 4.5। ये मैं मतलब ये ते फिर हेरा फेरी नहीं होंगी पी, ये थोड़ी घट है ये हेरा फेरी क्यों नहीं है यार, कमाल है। और ट्राली कुछ बेहतर लगती पी है, ये ट्राली बिल्कुल मिट्टी की ट्राली, कोई थोड़ी चौड़ी होनी तो थोड़ी 2 इंच मंडी कर लेना। अच्छा, ऊंची कर लेना। किन्नी क पंडा पै जाते हैं या वजन ना कि 15 पंडा पै जाते? 15 ज्यादा भी हो जाते हैं, तो घट गए बढ़ गए। अच्छा, तो एक ट्राली तो डीजल कितना पी जा सीधा? बल्कि एक मिनट, सुबह से शाम तक चलदियां ने, किन्नी ट्रालियां बना देने?
ਗਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਲੀਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਮੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰਸੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ 300 ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 5000 ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 5500 ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਚਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਈਏ 2-250 ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ 5000 ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾੜ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੰਝੱਤਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਸੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ 14-15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਸੀ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੱਕਰ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਹੁਣ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਟਰਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗਈ ਹੈ ਫੁੱਲ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵੇਖਣੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਐਕਸਪਾਇਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਚ ਮਾਰਦੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਖੁਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾੜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਟਰਾਲੀ 10000 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ 12000 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾੜ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾੜ 5000 ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ 6000 ਦਾ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਨਾੜ ਲਿਆ ਜੀ 6200 ਦਾ 800 ਦਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਮੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲੇਵਾਲ
लेकिन उन्हें ट्रालियां दो महंगा नाट लिया मैं, अल्लाह का शुक्र मोड़ भी गुजारा ठीक हो गया, रब ने रोजी दिखी है, सही हो गया, ठीक हो गया। मतलब मैं नाट लैके अपना अपनी थोड़ी बना के बेच भी सकते हैं। हाँ जी बेच भी, ज्यादा फायदा असं घाटा को नहीं है। नहीं जी, अगर नाड़ 3,000 लिया होगा ना जी, तो उस बाद चूड़ी का रेट सही हो गए फिर सही है। हूँ रेट कि चूड़ी का? वो रेट का पता नहीं। तुम वैसे 10,000 बना तो देंगे पैसे? हाँ जी, असं पिंडा खावा जरा घर इस्तेमाल कर। अच्छा चलो ठीक है, हूँ चलिए उधर मशीन करने पैसे। सारे जनाब ड्राइवर हजरात है कि नहीं? आओ चलिए जनाब, देखिए की पोजीशन है। ट्रैक्टर जनाब 260 उन्हें कट दिता है। अच्छा मैं रमजान है सब ये जो निपल लगे हुए मिंट च खुल जाते हैं जल्दी ना, ये निपल इन्होंने कहें इन्हों ना की निपलों का कोई अगर रेंच का इस्तेमाल करते है? ग्रिप लगे हुए, ग्रिप निपल है। अच्छा वो आसानी बल्कि 5-10 सेकंड खुल जाता है, यह ज्यादा फायदा है, बड़ा फायदा। मोबाइल तेल लीक नहीं होता जी, तो भी जल्दी हो जाता काम, नहीं बढ़ जाता जी, मतलब टाइम की बचत। हाँ जी टाइम की बचत, सही हो गया। मैं भी दोस्तों ट्राली कटता भी अजय जवान है, आई तरीका कार जे दी शिफ्टिंग दा। ते लो जी इतों मशीन कढ़ेगा, तो आ जी सामने ट्राली खड़ी है ये पिछे लगावेगा। लेकिन वो ट्राली कुछ बेहतर भी लगती है, ट्राली बिल्कुल मैं वो भी छोटी मलूम पर आती है। तो दूसरिया वाली ट्रालियाँ जड़िया ने उन्हें साइज बड़ा है। जबरदस्त जी नूर अहमद वाले अल हदीद मार्केट गुजरांवाला रोड हफ्साबाद इंटरनेशनल फार्म्स जरई इंडस्ट्री। चेक करो जी ऊपर जो है ना बूम नु लगाया हुआ ना सिस्टम किरण पुर नाला भी काफ़ी हद तक फायदा है, लेकिन सारी दारो मदार जोड़ा है ना ड्राइवर की ड्राइवरी पर है। तो यह ड्राइवर जोड़ा है यदि वेख लें जहानत तो होशियारी, लेकिन पहले कुछ नहीं आख्या जा सकता। हूँ उन्हें पानी पिन समझा बिच सीधी लिया वेल्डन ने। जबरदस्त जी गुड हो गया। तो इस तरीके जनाब इनका तबादला हो जाता है ट्राली का, तो ये हूँ अगली ट्राली भरेगी। तो हूँ मैं अपने वीर भरावों तो लेना इजाजत, तुहाड़ा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल बट्टू, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।